अर्जुन कपूर दुबई के लिए रवाना। बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। खबर है कि अर्जुन दुख की इस घड़ी में अपने पिता को सांत्वना देने उनके पास गए हैं। वहीदा रहमान अनिल कपूर के घर पहुंची। बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान श्रीदेवी के निधन के बाद उनके देवर अनिल कपूर के घर पहुंची। पुलिस कर रही है जांच। दुबई पुलिस श्रीदेवी की मौत का कारण जानने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी के घर वालों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। गल्फ न्यूज की खबर के मुताबिक बोनी को पूछताछ के लिए भर दुबई पुलिस थाने में बुलाया गया। इस मामले में पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया, जिसके बाद उन्हें होटल वापस जाने की मंजूरी मिल गई। ये भी पढ़े, श्रीदेवी की मौत के मामले में दुबई पुलिस ने बोनी कपूर से की पूछताछ। आज शाम तक आएगा श्रीदेवी का शव। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का शव दुबई से आज शाम तक मुंबई आ पाएगा। पहले सोमवार दोपहर तक उनके शव के आने की खबर थी, लेकिन कई औपचारिकताओं की वजह से नहीं हो पाया। फिलहाल ऐसी खबरें हैं कि आज शाम तक उनका शव भारत आ जाएगा और आज ही मुंबई में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस बीच मुंबई में उनके घर पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों का आना जारी है। बाथटब में डूबने से हुई थी मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई थी। श्रीदेवी के खून में अल्कोहल के अंश भी मिले। हादसे से जुड़े हालात तक पहुंचने के लिए जांच की जा रही है, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट में तो सिर्फ उनके डूब कर मरने की बात कही गई है। ये भी पढ़ें, श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से, शव आने में हो सकती है और देर। क्विंट और बिड्डी विंग ने मिलकर 8 महीने की रेप पीड़ित बच्ची के लिए एक क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है। 28 जनवरी 2018 को बच्ची का रेप किया गया था। उसे हमने छुटकी नाम दिया है। जब घर में कोई नहीं था, तब 28 साल के चचेरे भाई ने ही छुटकी के साथ रेप किया। 3 सर्जरी के बाद छुटकी को एम्स से छुट्टी मिल गई है, लेकिन उसे अभी और इलाज की जरूरत है ताकि वो पूरी तरह ठीक हो सके। छुटकी के माता पिता की आमदनी काफी कम है, साथ ही उन्होंने काम पर जाना भी फिलहाल छोड़ रखा है ताकि उसकी देखभाल कर सकें। आप छुटकी के इलाज के खर्च और उसका आने वाला कल संवारने में मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी मदद भी बड़ी समझिए।